वेलकम एवरीवन। आज का जो नेक्स्ट सेशन है, इन दैट सेशन विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 2। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग रिएक्शंस आपकी बची हुई है। बेसिकली हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हेटरोटम सिंगल बॉन्ड रिएक्शन, जिसमें कैनिज़रो रिएक्शन, मैनिच, मुकैयामा, रिफॉर्मेंट्स की रिटर, स्टेटर, एप्पल रिएक्शन, मिस्टर नोबू रिएक्शन एंड हॉबेनहॉश रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस का बेसिकली आज विथ मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे विथ अस। सो द फर्स्ट नेम रिएक्शन विच इज़ बिलोंग टू द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और दिस रिएक्शन का नाम है कैनिज़रो रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है कैनिज़रो। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम बेस यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी द बेस विच इज़ यूज्ड हियर द OH नेगेटिव आयन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस हम दो कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिएक्ट करते हैं, राइट, एंड दैट विल कन्वर्स इनटू, वन इज़ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन इज़ द अल्कोहल। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट। एंड जनरली इस रिएक्शन की जो कंडीशन है, इस रिएक्शन में हम अल्कली यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जांपल OH नेगेटिव आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वन कैन से इज यूज। और जनरली हम दो कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं विथ विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। सो दैट इज़ द विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एक रिएक्शन की कंडीशन है। सो इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन को हम जो है डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। और इस रिएक्शन में स्पेशलिटी ये है कि इस रिएक्शन में हाइड्रेट ट्रांसफ़र होता है कहीं तो, राइट। सो वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, पर्टिकुलरली होता है कैसे। नाउ सी, कार्बोनिल कंपाउंड जो हम लेते हैं जनरली दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, राइट। और जब हम इस पर कोई बेस यूज़ करते हैं या कोई हम लेट्स से दिस इज आर सी ओ एच एंड वी आर एडिंग आउट द OH नेगेटिव आयन, what happened with this OH negative ion, it will going to attack onto the carbonyl carbon, so that will form the sp3 hybridized structure. Okay, you can see here this will be the form. Now similarly, excess of base use kiya hai, that means we are adding one more equivalent of what OH negative ion, so that will converts into the dianion. Or dianion jo banda hai, it is the speciality of the Cannizzaro reaction. Iska matlab kya ho gaya, first OH negative ion is act as a nucleophile. Okay, I am change the color. First kya kiya first wale ne, it will be act as a nucleophile, but the second OH ion, it is act as a base. Now it will take the proton. Okay, so dianion generally is reaction ki speciality hai. So jab ye molecule hamare paas banta hai, this one, okay, so we will see how it is reacted with the second equivalent of carbonyl compound. ओके, चलिए मैं वापस आपको लेकर जाता हूँ वहीं पे। नाउ सी, सपोज़ अगर मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है एंड आई हैव दी OH नेगेटिव आयन, और वन कैन से दिस इज़ व्हाट एल्डिहाइड, सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट एल्डिहाइड मेरे पास है। नाउ सी व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। नाउ वाया दिस इट विल बी एक्ट एज ए हियर, इट इज़ एक्ट एज ए हियर। नाउ दिस इज़ कॉल्ड दी हाइड्रेड आयन ट्रांसफर रिएक्शन। अब क्या हो गया यहाँ पे, नाउ सी दिस विल बी व्हाट, दिस विल बिकम से कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, आपका ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस विल बी आर ओ नेगेटिव एच एंड एच। नाउ यू कैन सी हियर दिस एल्कोक्साइड आयन विल टेक द हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू द सॉल्ट that is carboxylate ion RCO negative plus आपका जो बन रहा है this is what the alcohol. Okay, now as you can see in the mechanism, one is undergo the oxidation, second is undergo the reduction. So हम ऐसा करके जो है इस reactions को explain कर सकते हैं। और sometime if अगर water as a solvent लिया है, then water जो है proton देगा किसको, O negative को, and that will converts into what the alcohol. सो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन। सो मेन थिंग इसमें क्या हो सकती है कि ये रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन पे काम करती है, दैट मीन्स यू कैन
टेक द एग्जाम्पल, यू कैन टेक द रिएक्टेंट एज ए बेंजाल्डिहाइड, हम ये ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और यू कैन टेक द सिंपल, वन कैन से एनी अरोमेटिक और एलिफेटिक टाइप ऑफ व्हाट, हम कार्बनिक कंपाउंड ले सकते हैं, ओके। दिस इज अबाउट द कैनिजरो रिएक्शन, वेयर वन इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज अंडरगो द रिडक्शन रिएक्शन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज वेरी वेल नोन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ की जाती है, जिसका नाम है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन जो है, आप देख सकते हैं कि मैनिच रिएक्शन में हमने तीन कंपोनेंट यूज़ किए हैं, वन इज द सेकेंडरी अमाइन, एक क्या यूज़ किया है यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, एक यूज़ किया क्या है आपने फॉर्मल्डिहाइड, एक यूज़ किया है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा क्या यूज़ किया यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट द कार्बोनिल कंपाउंड विथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, जहाँ पे हम मोर देन टू कंपोनेंट यूज़ करते हैं जनरली। मैनेज रिएक्शन एक थ्री कंपोनेंट टाइप की रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अमाइन और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस करते हैं, ओके। और एक आपका होता है किसके साथ में, एक आपका होता है कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इस वाले रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, एक सेकेंडरी अमाइन और फॉर्मल्डिहाइड, इनसे जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेज बेस। इससे क्या बनेगा आपका, नाउ बाय यूजिंग दिस सेकेंडरी अमाइन एंड दिस कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट विल फॉर्म द मैनेज बेस। और मैनेज बेस जो है वो रिएक्ट होता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, एंड दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया और अमाइनो लग गया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो मिथाइलेशन, अल्फा अमाइनो मिथाइलेशन। सो दिस रिएक्शन विच इंक्रीजेज द वन कार्बन बॉन्ड, ओके, वन सी सी एंड वन सी एन। सो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, इतना पार्ट आपका इंक्रीज होता है, और वो भी कहाँ पे होता है आपका, अल्फा पोजीशन पे, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी द अल्फा अमाइनो मिथाइलेशन, हम इसको बोल सकते हैं। अमाइनो का मतलब हो गया हमने एन एच टू ग्रुप लगा दिया, और मिथाइलेशन का मतलब हो गया वी आर पुटिंग द सी एच टू नाउ, ओके। इन दैट रिएक्शन हाउ टू प्रिपेयर द मैनेज बेस नाउ, अब वेरी सिंपल सी केमिस्ट्री है यहाँ पे, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड लेना है फॉर्मल्डिहाइड। सो व्हेन यू टेक द फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, फॉर्मल्डिहाइड को हम अगर रिएक्ट कराते हैं किस साथ में, एसिड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कराते हैं, तो यू नो दैट दिस लोन पेयर फ्रॉम द ऑक्सीजन विल टेक द प्रोटॉन, ओके, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये बन जाएगा आपका। और अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले कंपाउंड पे मैं रिएक्ट करूँगा हमारा सेकेंडरी अमाइन, आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद द सेकेंडरी अमाइन, यू नो दैट। अब जैसे प्रोटोनेशन हो गया, सेकेंडरी अमाइन विल बी एक्ट एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल बी लाइक दिस वन। सो ओवरऑल इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या हो गया यहाँ पे, कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी हो रही है, और कंडेंसेशन रिएक्शन होने की वजह से आपको समथिंग लाइक यू विल गेट दिस प्रोडक्ट नाउ, ठीक है। दिस इज व्हाट दी, अब यहाँ पे क्या क्या बन गया आपका, नाउ दिस विल बी लेट्स से माई ओ एच, ओके, या हम इस साइड से भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट, नाउ दिस इज सी, दिस इज व्हाट एन आर टू ग्रुप, साथ में आपका एच भी लगा हुआ है, ठीक है। एन आर टू के साथ में कौन लगा हुआ, आपका एच भी लगा था पहले स्टार्टिंग में, और यहाँ पे जो मेरा लगा हुआ है, दिस इज व्हाट कार्बन ओ एच एंड दीज आर द टू हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूट्रल स्ट्रक्चर मैंने निकाला हुआ है, दिस इज व्हाट द न्यूट्रल स्ट्रक्चर। प्रोटोनेशन आपका हो जाएगा, आपका जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था यहाँ पर, नाउ सी, लेट्स सी दिस इज व्हाट हाइड्रोजन नाउ, ओके, ऐसा हो गया आपका। नाउ इंटरनली दिस ओ एच विल टेक द प्रोटॉन, सो आपका प्रोटॉन जब जाएगा उधर, सो व्हाट हैपन विद दिस, एक सेकेंड, प्रोटॉन अगर वहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं, नाउ सी इट बिकम्स ए ओ एच टू नाउ, शिट, जस्ट अ मिनट, इट बिकम्स ए ओ एच टू एंड हियर वॉज बी अ चार्ज एंड लोन पेयर इज देयर नाउ। नाउ सी दिस लोन पेयर विच आर ड्राइविंग फोर्स टू रिमूव द वाटर एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूर द मैनेज बेस और वन कैन कॉल्ड एज ए इशन मोजर सॉल्ट।
so that will be formed, okay, and which act as a electrophile. ये बन गया आपका मैनेज बेस, जो यहाँ पे हमने जिक्र किया था इसका. और ये कैसे बना है आपका? बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड द सेकेंडरी एमाइन. इट इज सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं. नाउ सी, अब रहेगा हमारे पास किसका काम है अभी, अभी हमारे पास कार्बोनिल. नाउ सी योर कार्बोनिल कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम इट शुड बी इनोलाइजेबल. सो ये क्या बन रहा है आपका? इट इज इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड. दैट मीन्स हियर योर कार्बोनिल कंपाउंड शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इनोलिक फॉर्म एंड दैट इनोलिक फॉर्म इज गोइंग टू रिएक्ट विथ योर मैनेज बेस. अब किस साथ रिएक्ट हो जाएगा ये? इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द मैनेज बेस. ना ओके, मैनेज बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट. अब देखो कैसे रिएक्ट होता है, दैट वी हैव टू सी. नाउ द लोन पेयर ऑन दी और द वन कैन से दिस बॉन्ड विल बी द ड्राइविंग फोर्स. नाउ एंड हियर इट विल बी रिएक्टेड ऑन द कार्बन एंड बॉन्ड द नाइट्रोजन विल बी न्यूट्रल. सो वॉट द प्रोडक्ट्स आर देयर? दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड. अच्छे, ये ऐसा बनेगा आपका. नाउ सी, दिस विल बी द चार्ज एट हियर, ओके. एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू ऐड द CH2. नाउ आई एम जस्ट चेंज द कलर टू बेटर रिप्रेजेंटेशन. नाउ सी, दिस इज वॉट लाइक दिस, ओके. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपका? डी प्रोटोनेशन द नेसेसरी कंडीशन, दैट इज द एसिडिक वर्कअप हो जाएगा फाइनली एंड दैट विल कन्वर्ट्स इन टू योर द फाइनल प्रोडक्ट. दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड जो एज इट इज जैसे कि वैसे बन गया, बट वी आर एडिंग दिस CH2 एंड दिस इज वॉट NR2 ग्रुप. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द मैनेज रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो कंडीशन जो है आपका, ये आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, और ये तो आपके पास है. सो दिस इज एन थ्री कंपोनेंट टाइप ऑफ फट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेल नोन रिएक्शन विच इज द डिस्कवर्ड बाय मैनेज, कार्ल मैनेज, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन वेयर साइमल्टेनियसली वी कैन डेवलप टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड. वन इज CC एंड अनदर इज द CN टाइप ऑफ फट बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर रिएक्शन विच इज एन एडवांस वर्जन ऑफ वॉट दी एल्डॉल कंडेंसेशन रिएक्शन. सो यू नो दैट एल्डॉल इज अ रिएक्शन वेयर इट इज अ बेस कैटलाइज रिएक्शन. बट इन दिस रिएक्शन मुकायमा एल्डॉल इज अ रिएक्शन वेयर वी कैन सी द रिएक्शन बिटवीन द सिलाइल इनॉल ईथर. वी कैन सी दिस इज वॉट सिलाइल ग्रुप इज देयर नाउ एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए इनॉल. दिस इज कॉल्ड एज ए इनॉल. सो दिस इज वॉट सिलाइल, दिस इज कॉल्ड एज ए इनॉल. सो सिलाइल इनॉल ईथर, ओके. द रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन द सिलिल इनॉल ईथर एंड इन एल्डिहाइड, ओके. दैट विल गिव्स द प्रोडक्ट, दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट यू कैन सी विच इज ऑल्सो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जस्ट लाइक योर एल्डॉल. बट हियर द स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ओके. एज यू कैन सी यू गेट द सम इज जेड आइसोमर, वी कैन गेट द ई आइसोमर, or we can see the C or NT type of the products we are going to be form now, okay. The reaction is generally carried out in the presence of what the Lewis acid, that is called as a TiCl3, okay. This is very important, TiCl3. Now see the mechanism of this reaction. You take any carbonyl compound and that is reacted with the TiCl3 as a Lewis acid. You know that it is Lewis acid means lone pair acceptor, so the phenomena should be like this. Okay, so one of the seal will be eliminated here and that will results in the formation of RCOH. This is what TiCl3 and this will be what the positive one. Now see, we have silyl inol ether. You know that it is a nucleophilic reagent and it can be represented as this is what the double bond. This is O SiMe3 now. SiMe3 or Si, one can say R3. And here is somewhere the R is grouped there. Now, here is what in that reaction one of the Cl, TiCl4. If you are taking TiCl4, one of the Cl will be limited here now. And that Cl is responsible. That Cl is responsible to attack onto this silicon, onto this what silicon. This oxygen and silicon bond will be shifted here and it will be act as a nucleophile and going to react onto the carbonyl compound, so this bond will be open to oxygen. So likewise this type of reaction is going to take place now.
The next step is what? We are eliminating the SiMe3 and Cl, which is a leaving group, and now you will get the reaction like this. Now see, this is what the oxygen from your aldehyde. Okay, next to that, this is the carbon which is comes from your reagent, that is selenoether. This will be another carbonyl group. This is what the R now, and here these two oxygens are coordinated by TiCl3. Now when you work up this reaction, this is the double bond. Okay, when you work up this reaction in the presence of any acidic medium, so it will form two types of the product. Now see, this is what R, this is the OH, this is my carbonyl group, and this will be R now. So there is a formation of mixtures of product we are going to develop now. Now see, this will be the OH. So sometime this oxygen, this alkyl group and this alkyl group, they may be changed now. Suppose it comes from the SiMe3 reagent, or either it comes from the SiMe3 reagent. So this type of the syn and anti types of products are going to be formed now. So this is what the stereochemistry and the reaction. This reaction is an example of carbon-carbon bond forming reaction. Okay, so must remember this reaction, very important. Okay, so see the well-known reaction. That reaction is called as a Reformatsky reaction. And Reformatsky reaction is an example of the organozinc, where we are have the zinc as a important element. Okay, where we are used. Now this Reformatsky reaction is an organic reaction, which is an example of condensation, one can say, between any carbonyl compound and alpha haloester. Now this is what alpha position, and this is called as a alpha haloester. This is what alpha haloester, this is what carbonyl compound, and in the presence of zinc now. When it is zinc is reacted with the carbonyl compound, okay, and alpha haloester, it will form carbon zinc bond. So that's why it is called as an organozinc mediated reaction. Okay, and this is called as a Reformatsky enolate. This is called as a Reformatsky enolate ion, or one can say the zinc enolate ion, that will undergo the acidic workup, and you will get the beta hydroxy ester. What is the final product? Beta hydroxy ester is the final product. Now see the reaction mechanism of this particularly. Okay, well, let's say example, what is the role of here alpha haloester? Now see, this is what RCO let's say this is what R O C double bond O, and this is what X now, and here is what the zinc. When I'm adding the zinc to the system, so zinc is going inserted, just like, you know, the organometallic chemistry. So where the metals are inserted in between the carbon and what halogen bond. Okay, and the results in the formation of the organozinc compound. Now this is what RO C double bond O, this is what the CH2 group, and here is what Zn, and this is what the X now. And that one, that means is zinc containing carbon, it must be a nucleophilic carbon, and it is going to be reacted with your next reagent, that is what your aldehyde, or what ketone, let's say ketone is there, ketone. Okay, and this can be represented like this one. So here there must be enolization is going to take place now, and we can mention here this is called a zinc enolate ion. This is what R, oxygen, O, here, this is, we can also represent. And finally the reaction with this, the simple reaction where we can see like this. What will the product is going to be formed now? Here, this is what R, O, double bond O, this is what your CH2. And now I am going to make a bond with this. This is what O negative, and this is what the your R group now, which are from the
Now this black color indicates it is comes from your carbonyl compound. Okay, ZnBr, or one can say ZnX. And finally, when the acidic workup is going to be done, the elimination of what ZnBr2 is formed, because that can be eliminated with the help of the X negative ion. So when X negative ion is added here, so it will be break the system, and that will form the product is a RCO. In simpler form, this will be RO, C double bond O, and here will be the OH, this one. So this is your final product is going to be formed. This is called beta hydroxy ester, and that is the product in the reformatsky reaction. Next to that, one more reaction, that is called Ritter reaction. So Ritter reaction is basically the amidation reaction, one can say. You can see there is a synthesis of an amide here. So the carbon-carbon as well as, sorry, carbon-nitrogen and nitrogen-carbon bond is going to be developed in this reaction. So one can see the mechanism behind the Ritter reaction, or what are the reactant we are using now. Generally, hum isme kya use karte hai? We are using the alcohol, right? So this reaction is basically using the alcohol, or alcohol ka sabse pehle cation ban raha hai, aur cation ka fir hone ke baad aapka yahan pe humne cyanide use kiya hai, right? Aur hydrolysis kiya, then finally leads to what the carbonyl compound, that is called the amide, is going to be formed. Okay, so kaise hota hai ye hum pehle dekhenge. Ye electrophilic addition reaction is simple. So now we can see, but this reaction is only carried out in the presence of a tertiary alcohol only. This is very important. आपके पास टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं. नाउ यू नो दैट टर्शियरी अल्कोहल SN1 रिएक्शन हमने पढ़ी होगी. जब हम टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ करते हैं, तब वेन एवर वी हैव एसिड इज देयर, नाउ इट विल बी कन्वर्ट्स इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप एंड इट विल बी इलिमिनेटेड एज अ वाटर. और जैसे वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट द कार्बेनियम आयन, दैट इज कॉल्ड द कार्बोकेटन इज गोइंग टू डेवलप. अब जब कार्बोकेटन आपके पास बना है, तो नेक्स्ट रिएजन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? This is RC triple bond N, and it is act as a nucleophile, so it going to be added on to the this carbocation system. Now what will be the happen now? This will form what the this is what nitrogen, and this is what your R. Okay, and now you know that amides are undergo hydrolysis. So jaise aap hydrolysis karte hai isko, so now here this must be a positive charge. अब अमाइड का हाइड्रोलिसिस करना है आपको. जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो कहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी? वाटर की कहाँ पे रिएक्शन हो सकती है? वाटर इज गोइंग टू बी एडेड ऑन द कार्बन. ठीक है, जहाँ पे आपका ये कार्बन दिखता है, यहाँ पे आपको उसको रिएक्शन होगी बेसिकली, और आपका जो चार्ज बना है नाइट्रोजन पे, वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा. नाउ सी, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला सिस्टम बन गया हमारा, दिस इज वॉट टर्शरी ग्रुप इज देयर नाउ, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? नाइट्रोजन है. दिस इज वॉट डबल बॉन्ड, somewhere it is what the OH group, and this is what the R. Okay, basically वो OH2 था, मैंने प्रोटॉन निकाल लिया वहाँ से और ये बन गया. एंड नाउ इट अंडरगो द टाटोमेरिज्म. अब क्या बन रहा है आपका? वी कैन डू द टाटोमेरिज्म, एंड टाटोमेरिज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट द लेट्स से दिस इज व्हाट माय टर्शियरी ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट डी NH, एंड दिस इज व्हाट सी डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए R. सो वेरी सिंपल मैकेनिज्म फॉर द Ritter reaction, where we can develop simultaneously the CN bond, and next to that what the NC bond आपका बन रहा है. ओवरऑल इस रिएक्शन में हम टर्शरी अल्कोहल का कन्वर्शन किस में कर रहे हैं? अमाइड में करते हैं, राइट? दिस इज वॉट टर्शरी अल्कोहल इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू वट दी अमाइड. ओके, रिमेंबर दिस रिएक्शन इज वेरी वेल नोन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, वन मोर रिएक्शन वी हैव, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटर रिएक्शन. ओके, and this stator reaction, it is an also an example of the CC1 forming reaction, where we can use the 1,4 addition ka example humne dekha hoga kai bar, jise Michael addition, everybody know about the Michael addition reaction. So similar to that of what the stator reaction is there now. Aur is stator reaction mein kya karna hota hai humko, wo hum pehle dekhenge. It is an simple reaction where we can use the purpose for this reaction is for making carbon-carbon bond.
एज यू कैन सी द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आप रिएक्टेंट देख सकते हैं, इस रिएक्शंस का एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन, और ये रिएक्शन बेसिकली हरमन स्टेटर ने फाउंड की है बेसिकली, एंड दैट्स वाई द नेम इज कॉल्ड एज ए स्टेटर रिएक्शन। इट इज समटाइम देन एग्जाम्पल ऑफ वी आर यूजिंग हेट्रोसाइक्लिक रिएजेंट, यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे। नाउ स्टेटर रिएक्शन में क्या होता है कि हमने कार्बन की पोलैरिटी चेंज की है, एंड दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अम्पोलॉन्ग केमिस्ट्री ऑल्सो। अम्पोलॉन्ग एक ऐसा वर्ड है, अम्पोलॉन्ग अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, जहाँ पे कार्बन की पोलैरिटी या रिवर्स करते हैं हम उस चीज़ को बोला जाता है अम्पोलॉन्ग कंडीशन। ठीक है, सो जहाँ पे हमने क्या किया है, अल्डिहाइड है हमारे पास, राइट। अल्डिहाइड बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अल्डिहाइड्स आर बेसिकली दी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, बट दैट कैन बी कन्वर्ट्स इन टूअर्ड द न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स से व्हाट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म वी हैव, और ये जो हमने बीच में जो रिएजेंट लिया है ये कैसे बनता है हमारा, वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल वेयर वी कैन सी द 1,4 एडिशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस नाउ। अब क्वेश्चन ये है कि दिस अल्फा कार्बन एंड दिस इज व्हाट बीटा कार्बन, बोथ आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इवन कार्बोनिल कंपाउंड आपने जो लिया है एल्डिहाइड वो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, देन हाउ इट कैन बी डू दिस रिएक्शन। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड इट मस्ट बी कन्वर्ट्स इन टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक वन, देन एंड देन दिस रिएक्शन विल बी अ पॉसिबल टू डू दिस 1,4 एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की बहुत स्पेशलिटी क्या है, इस रिएक्शन में ब्रेस्लो इंटरमीडिएट आपका बनता है, और ब्रेस्लो इंटरमीडिएट इज नथिंग बट दी वॉट दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वी कैन सी एज एम ड्राॅइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्लो इंटरमीडिएट लाइक दिस, दिस विल बी माई हाइड्रोजन। ओके, दीज आर सम सब्स्टिट्यूट फंक्शनैलिटीज, एंड बाय अप्लाइंग द बेस। नाउ जब हम इसको बेस ऐड करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल जैसे बेस ऐड किया आपने, तो क्या हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, और जब हाइड्रोजन आपका निकल जाता है, सो इन दैट केस जब हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, सो नाउ इट कन्वर्ट्स इन टू कार्बिन, और कार्बिन का कन्वर्शन हम आसानी से एलाइड में कर सकते हैं। कार्बिन, दिस इज व्हाट कार्बिन, एंड नाउ सी दिस इज नाइट्रोजन सल्फर एंड हियर द नेगेटिव चार्ज। नाउ सी द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक वन, और ये जाके आपका रिएक्ट हो रहा है आपके किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड। सो थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका ये है, ट्रिकी है थोड़ा। अब जैसे रिएक्ट हो जाएगा, सो दैट विल फॉर्म द ब्रेस्लो इंटरमीडिएट। ओके, और ब्रेस्लो इंटरमीडिएट इज नथिंग बट दी दिस वन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज व्हाट दी सल्फर। ओके, एंड वी हैव दिस इज, दिस इज व्हाट वी हैव दी OH नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था आपका, मैंने बेस यूज़ किया है, राइट। जब हम ये वाला हाइड्रोजन निकल गया आपका, बेस डाल दिया हमने, एंड नाउ इट कैन बी टाटोमराइज टू नाइट्रोजन सल्फर, दिस विल बी डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज व्हाट R नाउ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए ब्रेस्लो इंटरमीडिएट। ओके, और ब्रेस्लो इंटरमीडिएट जो है एक स्पेशलिटी है किसकी, स्टेटर रिएक्शन की। अब जो ब्रेस्लो इंटरमीडिएट आपका बना हुआ है, वो वाला ब्रेस्लो इंटरमीडिएट, अब ये कैसे बना, ये पहले देखो कैसे हुआ होगा। दिस विल बी रिएक्टेड एट हियर, बॉन्ड विल बी ओपन टू ऑक्सीजन। ओके, आई एम ड्राइंग द अनदर स्ट्रक्चर हियर, सो ताकि यही इंपॉर्टेंट है इस केस में, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेस्लो इंटरमीडिएट आपका कैसे बनता है। नाउ सी क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज़ फॉर डबल बॉन्ड, और ये वाला जब मैंने रिएक्ट करता हूँ इसके ऊपर, तो क्या क्या बना होगा आपका। नाउ ठीक है, यहाँ से मैंने रिएक्शन की है, सो दिस विल बी माय OH और वो नेगेटिव आयन, समथिंग लाइक दैट दिस वन। अब मैंने क्या किया, बेस अप्लाई किया, प्रोटॉन निकाल लिया बाहर। प्रोटॉन जैसे निकालता हूँ, सो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। फिर इसको मैं टाटोमराइज ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं प्रोटॉन निकालता हूँ, ये वाला, दिस इज़ व्हाट दी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इज ओनली अटैक्ट विद द बीटा कार्बन, और इसीलिए क्या हो गया आपका, ये वाला यहाँ पे अटैक हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द 1,4 एडिशन रिएक्शन। और 1,4 एडिशन रिएक्शन जब होगी, जब हम लास्ट स्टेप में जब आते हैं, सो दैट मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड हियर एज इट इज़। ओके,
So this is an perfect example of 1,4 addition reaction where we are using two electrophilic reagent. दोनों electrophilic है but हमने सबसे पहले क्या use किया, Ampelon chemistry use की है using this reagent and that will form the product now. Okay, so इस तरह से हम इसको कर सकते हैं and this is called the thiazole. What we are using here, thiazole. This is what the thiazole. Okay. Next to that, one more reaction of nucleophilic substitution reaction that is called as an apple reaction. Okay. So everybody know about the apple. So now let's learn the apple reaction. It is an organic reaction. We can see the alcohol is the starting material. By using triphenyl phosphine and carbon tetrachloride as a solvent, it converts into the alkyl halide. सो ट्राइफिनिल फॉस्फिन और सी सी एल फोर को यूज़ करके हमने क्या यूज़ किया है, समटाइम कैन यूज़ द सी बी आर फोर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे, सी सी एल फोर के जगह पे. दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड्स, यानी कि हम आर एक्स बना सकते हैं इसके अंदर. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी एक्स फॉर्मिंग बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज प्रपोज्ड बाय रोल्फ एप्पल एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. ओके, SN2 का एग्जांपल है, SN2 का एग्जांपल है, सी एक्स बॉन्ड आपका बन रहा है, अल्कोहल का कन्वर्शन हो रहा है आपका किस में, आर एक्स में हो रहा है. नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कैसे आपका मैकेनिज्म प्रोसीड हो गया वो हमको देखना है पहले. नाउ सी, सपोज आई हैव दिस इज अल्कोहल विथ द पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैं यहाँ पे अल्कोहल यूज़ करता हूँ, एक उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी. अब मुझे यूज़ करना है पी पी एच थ्री सी सी एल फोर. जब पी पी एच थ्री सी सी एल फोर रिएक्ट होते हैं, पी पी एच थ्री प्लस सी सी एल फोर, यू नो दैट द फॉस्फरस हैविंग लोन पेयर्स, इट गोइंग टू रिएक्ट एट द कार्बन, वन ऑफ द सी एल विल बी लिमिटेड. क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पे आपका बन रहा है पी पी एच थ्री, पी पी एच थ्री और ये क्या है आपका सी एल, दिस विल बी द पॉजिटिव. ओके, एंड रिमेनिंग विल बी सी सी एल थ्री नेगेटिव, राइट, वो आपका रहेगा. अब होता क्या है यहाँ पे, हमारा बन क्या रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, वी आर गेटिंग द, ओके जस्ट मिनट, वी आर गेटिंग दिस, दिस इज व्हाट आर विथ इन्वर्जन इन द कॉन्फिगरेशन, ऐसा बन रहा है. बट हमने एक्चुअल में क्या यूज़ किया होगा, हमने जो यूज़ किया है वो है तुम्हारा रिएजेंट फॉस्फोरस, दिस इज फिनिल फिनिल फिनिल, साथ में कौन लिया था हमने सी एल, और आपका एनायन प्रेजेंट होगा, लेट्स एग्जांपल सी एल नेगेटिव आयन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर फॉस्फोरस इज हैविंग गुड एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन. ओके, सो अगर हम ये यूज़ करते तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस ऑक्सीजन मस्ट बी बाइंडेड विथ दी फॉस्फरस, और ये आपका बन रहा है यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज पी एच पी एच एंड पी एच ए. ओके, ऑब्वियस बात है आपका जो सी एल है वो एच के साथ चला गया उधर, ठीक है. सो समवेयर इन दैट रिएक्शन नाउ सी, ऐसा आपका बन गया. नाउ दिस कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इन टू दिस. अब बाई प्रोडक्ट आपकी क्या क्या होनी चाहिए, बाई प्रोडक्ट आपका रहेगा, एक तो होगा आपका सी ओ प्लस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव सी ओ सी एल, ये आपका होता है बेसिकली एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सी ओ टू नाउ. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एप्पल रिएक्शन. If you are using CBr4, then this will be the Br. Okay, this is the mechanism of the apple reaction where it is a perfect example of the SN2. Okay, remember this reaction, very well known transformation we have. Next to that, another reaction that is called as a Mr. Nobu reaction. Okay, so Mr. Nobu reaction is reactions where we are using the alcohol and the ester, okay, along with the triphenyl phosphine and dead diethyl as a dicarboxylate. Okay, now this reaction is an example where we can converting the alcohol into a diester but with the changing the stereochemistry. This reaction is discovered by Oyo
Mr. Nobu, and it is an example of coupling reactions where we can see the inversion in the configuration is going to take place now. Now see what is the dead now and what the role of the dead particularly. So dead generally use kiya jata hai to remove the water and etc. Yeah, to couple that bond. So ab humko kya karna hai, aapke paas do important reagent hai, triphenyl phosphine aur dead. Dead matlab kya hota hai, diazo ka matlab ye wala ho gaya. Okay, dicarboxylate ka matlab ho gaya aapka CO2R at this side and CO2R at this side. This is called diazo decarboxylate. Okay. And I am going to use the PPS3. यहाँ पे हमने use किया क्या है PPS. It is a nucleophile. It should be added on somewhere. जैसे यहाँ पे add हो गया. Okay. और this bond will be move on to this. Okay. Now see. This is what R O 2 C N. Okay. यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? It must be a negative. This is what another negative. और यहाँ पे लग गया आपका PPS3. And this is what CO2R now. I am going to add the carboxylic acid as a reactant RCOOH. Now from the carboxylic acid it take the proton. जो है proton आपका दिखता है carboxylic acid का वो लेगा and proton का conversation किस में हो जाएगा आपका after removal of the proton RCO negative बनेगा and some intermediate is going to form. ठीक है. अब जो इंटरमीडिएट आपका बन रहा है वहाँ पे, सो वो आपका रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ में, आपका जो रिएजेंट है ये वाला इस साथ में एंड दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट. ओके, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द SN2 रिएक्शन, राइट. और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि आपका जो वन कैन से आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन है आपके पास जो बना हुआ, राइट. अब कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो आपका अटैक हो जाएगा फास्फोरस के ऊपर, राइट. सो एंड सम टाइम सच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ. सो हियर आपको जो ऐड करना है, अभी ये तो बन गया आपके साथ में और ये होल मॉलिक्यूल आपका रहेगा. नाउ सी दिस, टेक द दिस मॉल, टेक दिस मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद द अल्कोहल नाउ. ठीक है, अब ये अल्कोहल आपका जो होगा दिस विल बी आर ओ एच, राइट. ये हमने लिया है और इस अल्कोहल की रिएक्शन आपकी होगी किसके साथ में, आपके फास्फोरस के साथ में हो जाएगी, राइट. दिस बॉन्ड विल बी गोइंग टू बी ऑन नाइट्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे कौन है आपका, दिस इज सी डबल बॉन्ड, दिस इज व्हाट सी डबल बॉन्ड. ओके, दैट मीन्स दैट दैट वन कैन से इट अंडर गो द व्हाट द स्टेबलाइजेशन, ऐसा हो सकता है ये. ठीक है, सो अब आपके पास क्या बच गया है वो देखो, अल्कोहल का देखो क्या हो गया. नाउ सी, लेट्स से एग्जांपल, दिस इज़ व्हाट माय अल्कोहल, व्हाट योर स्टीरियोकेमिस्ट्री देयर. जैसा मैंने यहाँ पे लिया है, ये वाला अल्कोहल हमने यूज़ किया है एंड दैट अल्कोहल इज़ गोइंग टू बी बाइंडेड विथ दी PPH3. नाउ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज रहेगा. नाउ रिमेंबर डेस वन, जो हमारे पास आपका न्यूक्लियोफाइल है दिस इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन. अब वो आपका SN2 फैशन में जाएगा, राइट. ऑब्वियस बात है आपका SN2 फैशन में जब जाता है, सो और ऑक्सीजन की आपकी अफिनिटी किधर ज़्यादा होती है, फास्फोरस की तरफ होती है, राइट. एंड दैट्स व्हाई द कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच इज़ अटैक्ड एट फ्रॉम द बैक साइड सो विल कन्वर्ट्स इनटू द एस्टर. नाउ दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द मिस्टर नोबु रिएक्शन. ओके, ऐसा आपका बनेगा. ओके, सो एंड बाय प्रोडक्ट इज व्हाट, PS3 P double bond. This is the byproduct. The well-known and last reaction from this one, that is the Hobenhausch reaction. Now it is an organic reaction we can see, which is used to convert phenolic compounds into the acylated benzene. Okay, or one can say aryl ketone. This is what the aryl ketone from the phenolic compounds. Okay, by using the methyl nitrile. Okay, or we can see the simple nitrile compounds we are going to use now. So Joseph Hobben and Kurt Hoche, it proposed this reaction, and in this reaction we are using the ZnCl2 as a Lewis acid. Okay, and
Now see what happened with this. We have the RC triple bond N plus we have ZnCl2. You know that the lone pair from the nitrogen and the zinc is going to be coordinated like this fashion, and that forms some adduct. This is what RC triple bond N, and this is what the ZnCl2. Now you have any phenolic compound, and you know that phenol means it is OH containing group now, and OH is ortho para directing group, so it must be donate the electron density at some specific position, that is ortho and para. Okay, now this nitrile, which is an electron deficient, and see the mechanism of this reaction. Here this OH donates the electron to at specific position, and via this one it going to be attracted here now. ऐसे हो गया आपका पैरा पोजिशन पे जाता है बेसिकली. वी कैन ऑल्सो गेट द अर्थो प्रोडक्ट. ओके, बट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो पैरा पोजिशन पे प्रीफर करेगा वो. ओके, एंड नाउ सी क्या मिलना चाहिए आपको. सम दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी फॉर्म. दिस इज वॉट एच. ओके, यहाँ पर एंड हियर समवेयर दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बन. दिस इज वॉट नाइट्रोजन. ओके, और इस कार्बन पे कौन लगा हुआ है आपका, आर लगा हुआ. एंड एज यू नो दैट, बाकी की प्रोसीजर हम कर सकते हैं यहाँ पे. कैसे करेंगे इसको, आपको सिर्फ ये प्रोटॉन निकालना है बाय यूजिंग द बेस एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट नाउ. ओके, सो पहले आपका क्या करना है, सी डबल बॉन्ड एन कन्वर्ट्स इनटू सी डबल बॉन्ड एन इज गोइंग टू बी कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द सी डबल बॉन्ड ओ बाय यूजिंग जस्ट द वाटर. सो मैं यहाँ पे वाटर मेंशन करूँगा और वाटर मेंशन करता हूँ, सो दैट विल कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट इज दिस वन. ओके, अब रहा सवाल आपको बैक टू फिनॉल कैसे लेना है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव द प्रोटॉन नाउ. प्रोटॉन निकाल दूंगा बाहर, दिस विल बी लाइक दिस. ओके, एंड दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट इज ए अराइल कीटोन. अराइल कीटोन इज द प्रोडक्ट. ऑब्वियस बात है आपका इसमें ऑर्थो पैरा दोनों मिलने चाहिए, राइट. यू गेट द मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ असाइलेशन रिएक्शन. इसका एग्जाम्पल है असाइलेशन रिएक्शन. So this is all about the part 2 from the unit number 2. These are the well-known reactions. Now today we are see Hobenhoish, Mr. Nobu, Apple. Then this is the Stator reaction, Ritter reaction, Reformatsky reaction, Mukayama reaction, Mannich reaction, and the Kanizaru reaction. This is all about your number unit number 2, and very important unit one can say in terms of what organic synthesis. Thank you.